चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुणासन हंसासन गरुणासन विश्वाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा Yeah.
सजा चंद्रमा प्यारा, गले में काले नाग सजे हैं, चंदन कान सजे हैं, कंठ में अपने विष को धारा, गले सजी मुंडन की माला, हाथों में त्रिशूल कमंडल, तन पर ओढ़ी है मृग छाला, भस्म बहुति वेश निराला, भंगिया की मस्ती जब आती, शिव शंकर तुम सा नहीं, देव कोई संसार, आपके पावन चरणों में नमन है सो सो बार, बोलो ओम नमः शिवाय, 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 बोलो ओम नमः शिवाय। क्यों शंकर भोले कहलाते, गंगा जल से खुश हो जाते, बिन बुलाए वर देने आते, भक्तों को दर्शन दे जाते, एक भील की सुनो कहानी, भक्तों आज मेरी जुबानी, सुनकर सबको पता चल जाए, शंकर भोले कहलाए, एक गांव में भील था रहता, कर शिकार वो पेट था भरता, हिंसा कर परिवार चलाता, एक दिवस रविवार का आया, सारा दिन वो शिकार न पाया, सूरज डूबा हुआ अंधेरा, व्याकुल हुआ बेचारा, कैसे घर को जाऊंगा आज मैं खाली हाथ, परिवार क्या खाएगा मेरा आज किरा, बोलो ओम नमः शिवाय, 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 बोलो ओम नमः शिवाय। उसने मन में यही विचारा, आज करूं जंगल में गुजारा, सोच के चढ़ गया पेड़ के ऊपर, पेड़ था भक्तों, नीचे शिवलिंग एक था भक्तों, जिसको नहीं वो देख था पाया, सोमवार का दिन था आया, पेड़ पे जब वो हिलता जाता, शिवलिंग पर वो बेल चढ़ाता, पीने को जब पानी पीता, थोड़ा जल शिवलिंग पे गिरता, तभी वहाँ हिरनी एक आई, तीर कमान पे दिया चढ़ा, और था आया, धनवे पर था बाण चढ़ाया,
समझदारी ये मुझको क्या हो गया है, मन गया से भर गया है। थोड़ा हिला फिर बेल गिराए, बेल पत्र शिवलिंग पे चढ़ाए, पानी पिया फिर जल था गिराया। सवेरा अब होने को आया, सोचा कल का दिन था भारी, घर जाने की कर तैयारी, खाली हाथ ही जाना होगा, भूखे पेट रह जाना होगा। तभी झाड़ी से आहट आई, हिरन के बच्चे दिए दिखाई, फिर धनुए पर बाण चढ़ाया। मन में जाग गया ओ माया, कैसे मारूं इनको मैं, ये तो है मासूम, ये भी किसी के बालक है, कैसे बहाऊं खून। बोलो ओम नमः शिवाय, 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 बोलो ओम नमः शिवाय। जो ही पेड़ से नीचे शिवलिंग पे चढ़ाया और गिरा पानी की बूंदे, बादल घर जी बिजली कड़की, शिवलिंग से फिर आई शिव जी, घंटे और घड़ियाल बजे है। शिव शंकर जी खड़े हैं, भील रहा था बगले झाके, हाथ पैर थे उसके कांपे, उसकी कुछ भी समझ ना आए। शिव शंकर
सावन के सोमवार के भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले पार्वती का इस दिन ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सावन के सोमवार के भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले पार्वती का इस दिन ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। Thank you.
भोलेनाथ को सबसे प्रिय है ये महीना सावन। सनातन धर्म में मानते हैं इसे सबसे ही पावन। भक्त अनेकों कांवड़ में गंगा जल लाते हैं, भोलेनाथ के शिवलिंग को अभिषेक कराते हैं। भोलेनाथ करते भक्तों की पूरी इच्छाएं, जो सावन के महीने में भोले का ध्यान लगाए। भोले और भक्तों में बड़ा ही गहरा नाता है, सोमवार के दिन इनको तो पूजा जाता है। सोमवार की व्रत कथा अब एक सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले पार्वती का इस दिन ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। किसी नगर में रहता था एक सेठ बड़ा साहूकार, धन और दौलत की तो उसके घर में थी भरमार। सच्चे मन से वो करता था भोले की भक्ति, किंतु अभी तक नहीं हुई थी उसे संतान की प्राप्ति। नित्य नियम से वो भोले के मंदिर में जाता, श्रद्धा भाव से भोलेनाथ के चरणों ध्यान लगाता। सोमवार का व्रत भी हर एक साहूकार करता, भोलेनाथ का सदा ही अपने मन में नाम सुमरता। पर संतान के सपने ना पूरे हो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले पार्वती का इस दिन ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। सच्चे मन से करता था वो साहूकार भक्ति, उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई माता पार्वती। कहने लगी वो भोलेनाथ से आप बड़े वरदानी, क्यों इस साहूकार की विनती अब तक ना मानी। भोलेनाथ इस भक्त की विनती अब तो लो तुम मान, चाहता है बस आपसे ये तो इकलौती संतान। कहने लगे हैं भोलेनाथ पिछले कर्मों के फल, इसीलिए तो भक्ति इनकी हो ना पाई सफल। पिछले जन्म के कर्म भी आगे आ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले पार्वती का इस दिन ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। कहने लगी है भोलेनाथ से माता पार्वती, पर इस जन्म में तो करता है आपकी ये भक्ति।
अपने भक्तों को देते हो मुँह मांगा तुम वे, विनती है मेरी इसकी भी इच्छा तो पूरी करे। पार्वती की बातें है आखिर भोले ने ली मान, कहने लगे के हो जाएगी इसको भी संतान। मांगा है एक पुत्र ही इसने जो इसे हो जाए, किंतु 12 वर्ष से ज्यादा ना वो जी पाए। भोलेनाथ एक पुत्र का वर उसे दे ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले पार्वती का इस दिन ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। साहूकार तो बैठा हुआ था ध्यान में अपने मगन, भोले पार्वती की बातें भी वो रहा था सुन। ना ही हुई प्रसन्नता उसको ना अफसोस हुआ, अल्प आयु का भोलेनाथ ने जो है पुत्र दिया। करके पूजा पाठ वो अपने घर में आया है, अपनी पत्नी को भी राजी नहीं बताया है। पत्नी के गर्भ से एक पुत्र ने फिर है जन्म लिया, साहूकार के घर में छा गए खुशियाँ ही खुशियाँ। साहूकार तो भोलेनाथ का शुक्र मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले पार्वती का इस दिन ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। साहूकार का पुत्र है धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते 11 वर्ष का पुत्र है उनका हुआ। बोली उनकी पत्नी इसकी शादी करनी चाहिए, कहने लगे हैं साहूकार के पहले इसे पढ़ाइए, इसे पढ़ने के लिए भेजना चाहिए हमको काशी। मैंने सुना है शिक्षा वहाँ पर मिलती है अच्छी, भेज के संदेशा तुम अपने भाई को बुलवाओ, शिक्षा पूरी करने के लिए काशी इसे पठाओ। पढ़ाना और लिखाना खूब हम इसको चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले पार्वती का इस दिन ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। फिर तो उनकी पत्नी ने है भाई बुलवाया, मिला है जो संदेश बहन का दौड़ा वो आया। बोली अपने भांजे को तुम काशी ले जाना, शिक्षा दीक्षा पूरी इसकी करवा कर लाना। कहने लगे हैं साहूकार जब तुम काशी जाओ,
अपने साथ में थोड़ा सा धन भी तुम ले जाओ। चलते चलते राह में तुमको जहाँ रुकना पड़ जाए, देना दान ब्राह्मणों को और यज्ञ भी करवाए। यज्ञ हवन और दान से कर्म सफल हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भोले पार्वती का इस दिन ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन, ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। साहूकार ने बालक के मामा से जो है कहा, उस बालक के मामा ने बिल्कुल वैसा ही किया। जहाँ जहाँ भी रुके वहीं करवाया यज्ञ हवन, दान दक्षिणा दी खुलकर जितने आए ब्राह्मण। एक नगर में रुके हुए थे जब वो दोनों ही, एक अजब सी घटना उस लड़के के साथ हुई। होने लगा एक राजकुमारी का है वहाँ विवाह, होने वाला पति तो उसका आँख से काना था। राजकुमार की जगह पकड़ लड़के को बिठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भोले पार्वती का इस दिन ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन, ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। राजकुमार के पिता ने क्योंकि ऐसा माना है, सब देखेंगे पुत्र मेरा तो आँख से काना है। इस लड़के को राजकुमार की जगह बैठाऊंगा, फिर मैं बहू को अपने घर में लेकर जाऊंगा। बदले में मैं दे दूंगा लड़के को बहुत साधन, किंतु उस लड़के का माना नहीं इसके लिए मन। राजकुमारी की चुनरी पर उसने है ये लिखा, आपके साथ में हो रहा देखो है भारी धोखा। फिर तो फेरे संपन्न उनके हो ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भोले पार्वती का इस दिन ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन, ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। संपन्न होकर लड़की भीतर जो आई, लिखा देख कर चुनरी पर है वो तो चकराई। अपने पिता को सारी बातें उसने दी है बता, बोली हमारे साथ हुआ है पिता श्री धोखा। राजकुमारी की उनके संग फिर ना करी विदाई, वापिस खाली ही बारात है राजा ने लौटाई। मामा के संग आ गया है फिर लड़का भी काशी, क्योंकि शिक्षा अपनी पूरी उसको करनी थी।
एक गुरुकुल में मामा उसको तो बैठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले पार्वती का इस दिन ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। नित्य नियम से वो बालक तो पढ़ता जाता है, उसका मामा समय समय पर यज्ञ कराता है। अल्पायु है मेरा भांजा, नहीं जानता है, अपनी बहन और जीजा का आदेश मानता है। 12 वर्ष की उम्र कमर ही बस से उन्हें दिया है, अंतिम समय आज तो उस बालक का आ गया है। बोला अपने मामा से आज पढ़ने जा न सकूंगा, तबीयत ठीक नहीं है, घर में ही आराम करूंगा। उस दिन भी उसके मामा एक यज्ञ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले पार्वती का इस दिन ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। अनेकों ही पंडितों को उसके मामा ने बुलवाया, यज्ञ में भी पर उसका भांजा नहीं आज आया। सोचा उसके मामा ने शायद तबीयत ना ठीक, लगा यज्ञ करवाने वो तो हो करके निर्भी। हुआ यज्ञ जो पूरा तो दिया ब्राह्मणों को भी दान, कर रहा है आराम भांजा, ये ही रहा थमा। लेकर के प्रसाद यज्ञ का उसके पास आया, ग्रहण करो प्रसाद यज्ञ का उसे उठाना चाहा। किंतु प्राण पखेरों पहले ही उड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले पार्वती का इस दिन ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। शरीर को देख के मामा करने लगा विलाप, कहने लगा है भोले कर दिया यह काम मेरे साथ। अपनी बहन और जीजा को मैं मुंह क्या दिखाऊंगा, मृत शरीर भांजे का कैसे ले जाऊंगा। मृत्यु का समाचार जो इसके माता पिता पाए, वह अंतिम संस्कार से पहले खुद ही मर जाए। इसके बदले मृत्यु क्यों नहीं मुझको आ जाए, या फिर भांजा मेरा भोले जिंदा हो जाए। भोलेनाथ तो इतना सुनकर आ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले पार्वती का इस दिन ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। भोलेनाथ से माता पार्वती है लगी कहने, कोई पाप ना किया है भोले इसके मामा ने। सच कहता है अपनी बहन को मुंह के दिखाएगा, मृत शरीर भांजे का कैसे ले जाएगा। देना होगा आपको भोले इसको जीवन दान, आप बड़े वरदानी हो विनती मेरी लो माँ। माता पार्वती का कहना उन्होंने मान लिया, दीर्घायु का उस बालक को है वरदान दिया। जीवित देख के मामा भी तो प्रसन्न हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले पार्वती का इस दिन ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। अपने गांव की ओर किया है उन्होंने फिर प्रस्थान, उसी नगर में आकर करने लगे हैं वो विश्राम। राजकुमारी ने उस लड़के को पहचान लिया, क्योंकि असल में उसके साथ ही उसका हुआ विवाह। अपने पिता को राजकुमारी ने बतलाया है, राजा ने दोनों को महलों में बुलवाया है। राजकुमारी को उसके ही साथ में विदा किया, कन्यादान में राजा ने उन्हें धन भी बहुत दिया। खुशी खुशी भी अपने घर में लौट के आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले पार्वती का इस दिन ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। आकर उसके मामा ने है सब कुछ बतलाया, भोलेनाथ से दीर्घायु का इसने वर पाया। साहूकार ने भी भोले को शीश नवाया है, अल्पायु से दीर्घायु जो पुत्र पाया है। भोलेनाथ ने विनती सदा ही भक्तों की मानी, जानता है जग सारा भोलेनाथ है वरदानी। भोलेनाथ को शीश झुकाता हंस राज रलहन, सावन सोमवार का डीएस पाल करे वर्णन। फौजी सुरेश भी भोलेनाथ की महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले पार्वती का इस दिन ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन।
हर हर भोले नमः शिवा। हर भोले नमः शिवा। Everybody।
हर भोले नमः शिवाय। To me।